हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप जो बिहार बीएड एग्जामिनेशन एंट्रांस एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सिलेबस में कुछ मामूली सुधार किया गया है, उसको लेकर के मैं आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को इस वीडियो के तहत बताने वाला हूँ कि किस विश्वविद्यालय में कितने सीट हैं और किस विश्वविद्यालय में कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं, इसकी जानकारी देने वाला हूँ। और तीसरी बात मैं बताने वाला हूँ कि आप जो एडमिशन कराएंगे बीएड में, तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, इस सब के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने खुला हुआ है सीईटी बीएड 2018 पाठ्यक्रम। ये पिछले वाले पाठ्यक्रम है जिससे रिगार्डिंग मैं पिछले बार वीडियो बनाया था, जो आपको आई बटन ऊपर में मिल जाएगा, इसका लिंक आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें सेम टू सेम सारा सिलेबस सेम ही है, बस कुछ सुधार किया गया है। और नया सिलेबस में एक ही मात्र इंग्लिश लैंग्वेज में सुधार किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में वह सुधार किया गया है कि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट नंबर में आप देख रहे होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हटा करके यहाँ हटा दिया गया है। और ये जो एरर करेक्शन है, ये एरर करेक्शन को हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें नए वाले सिलेबस ये है। नया वाला सिलेबस में आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि इसमें देखिए मात्र दो ही चीज़ हटा हुआ है, बाद बाकी सब कुछ सेम है। आप देख सकते हैं, देखिए ये पुराना है और ये नया, इसमें थोड़ा ही दो कंटेंट को हटा दिया गया है, बाद बाकी सब सेम है। तो आपको ये जानकारी मिल गई होगी, बाद बाकी सब कुछ सेम ही है। आप कुछ मत चेंज कीजिएगा, मतलब सब सही है, एकदम सही है। अब चलते हैं नए की तरफ। अब देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज है। इसके अंतर्गत जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसके अंतर्गत ये 15 यूनिवर्सिटी हैं। पहला है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मीठापुर पटना, उसके बाद दूसरा है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा, तीसरा है भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, चौथा है जयप्रकाश विश्वविद्यालय राहुल संकृत्यानंद नगर छपरा, उसके बाद है पाँचवा है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर दरभंगा, उसके बाद है तीसरा है छठा है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा, उसके बाद है सातवां है मगध विश्वविद्यालय बोधगया, आठवां है मजरूल हक अरबी फारसी एवं विश्वविद्यालय अली इमाम पथ हज भवन के नज़दीक है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। नवा है जो मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, नालंदा खुला विश्वविद्यालय अगला है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना, पटना विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, उसके बाद 14 नंबर में है तिलक मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर, उसके बाद है 15 है वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय आरा। इतने सारे यूनिवर्सिटी है। अब देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के में कितने कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके कॉलेज का मान्यता प्राप्त है या नहीं एनसीटीई के तहत। आप उसको जान सकते हैं, उसको जाने बगैर आप एडमिशन ना लें किसी भी कॉलेज में। तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी जानकारी मिल पाएगी कि कौन से कॉलेज को कब मान्यता प्राप्त है, कब से कब का मान्यता प्राप्त है, सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं। सबसे पहला है आर्यभट्ट ज्ञान कॉलेज विश्वविद्यालय। इसमें देखिए इसके अंतर्गत है, सबसे पहला नंबर ऑप्शन है, पहला नंबर में है सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना, दूसरा नंबर है देख लीजिए त्रिदेंत बीएड कॉलेज गिद्धा, उसके बाद है शायद हमको पढ़ने में मिस्टेक हो जाए लेकिन आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए ये है, ये लिस्ट है कॉलेज का। इतने सारे कॉलेज इस
विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। इसमें इन सारे कॉलेज में से बीएड करवाया जाता है। तो अगर आपके जो घर के नज़दीक हो उसी कॉलेज में लीजिएगा एडमिशन। आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं इसमें, आचार्य सदास विद्या कॉलेज, बीएड कॉलेज सीतामढ़ी, कई सारे कॉलेज हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इस कॉलेज के जब मैं वेबसाइट पर गया तो इसका कोई लिस्ट नहीं था। जब मैं यहाँ पर व्यू बीएड कॉलेज लिस्ट पर जब क्लिक करता हूँ तो कोई दूसरा फेक वेबसाइट खुल जाता है और कुछ अनर्गल चीज़, मतलब दूसरा चीज़ लिख करके दे रहा है, तो ये नहीं दिखा रहा है। अभी जब आ जाएगा तो आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद अगला कॉलेज है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। इसका भी सेम वही हाल है, ये सिर्फ लिख कर रखा है यहाँ पे कि बीएड कॉलेज अंडर बीएनए मंडल यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पर लिस्ट नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा है वेबसाइट खोलने पे। उसके बाद अगला है जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। इसमें भी यही दिखा रहा है, देख लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं दिखा रहा है, एफिलिएटेड कॉलेज लिख कर लिख दिया है कि दिस पेज इज अंडर वेरीफिकेशन। इसके बाद आप लगता है कि ये वेरीफिकेशन करने के बाद ही वेबसाइट को अपडेट करेगा तो आ सकता है, तो उसके बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगला कॉलेज है देखिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। इसमें पूरा डिटेल्स के साथ दिया गया है, देख लीजिए। इसमें सबसे पहले दिया गया है देखिए नेम ऑफ कॉलेज, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे कॉलेज हैं। इसमें फर्स्ट नंबर में है जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा। इसमें 250 सीट है, इसमें सीट भी दिखाया गया है, लेकिन ये जाकिर हुसैन कॉलेज है, इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, इसमें आप नहीं ले सकते हैं एडमिशन एंट्रांस के थ्रू। पिछले बार भी जब मैंने दिया था इसका एंट्रांस तो इसमें नहीं हुआ था मेरा एडमिशन, मैंने लिया भी चाहा। तो कुछ कॉलेज हैं जो नहीं लेता है एडमिशन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। दूसरा नंबर में है, आप देख सकते हैं, तीसरा नंबर में है बी एम ए कॉलेज बहेरी दरभंगा। उसके बाद है देखिए अगला है तीसरा नंबर में है बी एम कॉलेज बहेरी, ये तो तीसरा नंबर में था। उसके बाद चौथा नंबर में डॉक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एलएमएन यूनिवर्सिटी दरभंगा। उसके बाद देखिए पूरा डिटेल्स दिया गया है इसमें, कब कितना सीट है, ओरिएंटल कॉलेज एजुकेशन दरभंगा, देख सकते हैं आप, गौरी ब्रह्मानंद, स्वामी विवेकानंद, फखरुद्दीन अली, एम बी कॉलेज इर्फ एजुकेशन, अनुरा कोठी, राम बहादुरपुर दरभंगा, देख सकते हैं आप। अगला है 11 नंबर में है, देख लीजिए, एल के मिश्रा कॉलेज टीचर ट्रेनिंग दिल्ली मोर बेला। उसके बाद है ललित मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज टीटी कॉलेज कंसी दरभंगा। अब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में वो था ऊपर वाला जितने थे, आप देखें इधर देखें दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में देखिए कितने सारे कॉलेज है, एक नंबर में है मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते, ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। दूसरा नंबर में है मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बेशवाड़ा मधुबनी, ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, लेकिन पिछले साल लास्ट समय में जब इनको नहीं हो सका तो इसमें भी एडमिशन हुआ कुछ बच्चे का। उसके बाद आरके कॉलेज ऑफ मधुबनी सबसे बेस्ट कॉलेज यही है, आप इसमें ले सकते हैं, बेझिझक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। चौथा कॉलेज है किरण ट्रेनिंग कॉलेज देवत नारायण मधेपुरा पंडौल में है, ये मधेपुरा में है, मधेपुरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है पाँच नंबर में। उसके बाद है देखिए पाँच नंबर में मैं बताया था, उसके बाद सिक्स नंबर में है बदमती भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चनपुरा बसमती बंधवनी। उसके बाद है परमानेंट ये है अप्रूव है, इसमें सीट दिखाया गया है। उसके बाद है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज समस्तीपुर DBKN, ये देख लीजिए, ये सारे के सारे डिटेल्स हैं। पाँच नंबर में है समस्तीपुर में इतने सारे कॉलेज हैं। समस्तीपुर में छः नंबर में है देखिए बीबी फातिमा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज समस्तीपुर। उसके बाद है सात नंबर में रामेश्वर लक्ष्मी महतो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रोसरा समस्तीपुर। उसके बाद आठ नंबर में है मौलाना मजरूल हक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मथुरापुर समस्तीपुर, देख सकते हैं आप।
बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में चार कॉलेज हैं, एमएम रस्सीमानी बीएड कॉलेज, देमोदारपुर, देख लीजिए ये सारे कॉलेज है, सारे डिटेल्स के साथ दिया गया है, सबसे बेस्ट यही दिया गया है। जितने भी सारे मैंने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोला, सबसे अच्छा वेबसाइट हमको LNMAU ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का वेबसाइट लगा। इसमें सारे डिटेल्स के साथ आपको सारी जानकारी दी गई है। अगला है मगध विश्वविद्यालय बोधगया। इसमें भी कोई डिटेल्स नहीं दिया गया है, कॉलेज का कोई नहीं लिस्ट नहीं है इस पर, कुछ नहीं है, सिर्फ वेबसाइट का नाम का है वेबसाइट और कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं दिया गया है। जब ये इसका आता है कुछ ऐसा करके नोटिस आता है तो मैं आप लोगों को नोटिस करूंगा। उसके बाद यह है ये कॉलेज है मुंगेर यूनिवर्सिटी, इसका भी अपना कोई वेबसाइट नहीं है, तो मैं इसको विकिपीडिया से देखा तो विकिपीडिया पर भी इसका दिया गया था, कुछ 17 कॉलेज का नाम दिया गया है। अभी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है RDJD कॉलेज मुंगेर है, SKR कॉलेज, लेकिन इसमें बीएड कहां कहां पे होता है ये नहीं पता चल रहा है। इतने सारे कॉलेज है, इसका कोई वेबसाइट ही नहीं है मुंगेर यूनिवर्सिटी का। और अगला जो मैंने खोला पूर्णिया विश्वविद्यालय में ये देखिए ऐसा करके आ रहा था, इसमें भी कोई कुछ नहीं है, वेबसाइट जनरल कंस्ट्रक्शन, अभी वेबसाइट बनाया भी नहीं है अभी तक, ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी कोई वेबसाइट नहीं है, जब मैं विकिपीडिया लिंक पर खोला तो ये सारी जानकारी हमको प्राप्त हुआ, जो आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं क्या क्या जानकारी हमको मिला। अगला है पटना यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छा से दिया गया है, बहुत अच्छा से दिया है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में कुछ सीटें जो होती है 200 या 250 सीट रहती है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद दो ही कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, पटना टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बीएड के लिए और पटना वुमेन्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तो ये दो कॉलेज है, लेकिन इतने सारे कॉलेज इसके अंडर में आते हैं, ये अलग से नहीं दिखाया गया है कि ये बीएड के लिए ही सिर्फ कॉलेज है, एक ही में मिक्स करके दिया गया है, लेकिन दिया तो ऐसे ही। तो ये इस प्रकार से पटना यूनिवर्सिटी का हाल है, देख सकते हैं आप। अगला है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, देख लीजिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 5 कॉलेज हैं, KG कॉलेज, पूर्णिया आर्ट कॉलेज, ये भी बीएड के लिए स्पेसिफिक करके नहीं बताया है, हसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ साइंस पूर्णिया, यादव इंटर कॉलेज किशनगंज, उसके बाद है हरिया डिग्री कॉलेज मधेपुरा, MB कॉलेज सहरसा, ये था पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी। ये है बीएड कॉलेज अंडर TT, हाँ ये है तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है, तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में कॉलेज हैं, इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, बीएड के लिए दिया गया है, देखिए बीएड के लिए स्पेसिफाइड के दिया गया है, इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, आप इसमें भी ले सकते हैं। देखिए इसमें कॉलेज है, सबसे पहले एक नंबर में है अवैध मिशन ट्रेनिंग कॉलेज बोनस बांका, आप देख सकते हैं, इतना मैं नहीं पढ़ सकता, बीएड कॉलेज ऑफ एजुकेशन देवड़ा बांका, इतने सारे कॉलेज हैं इसमें, आप शायद वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा देंगे तो अच्छे तरीके से देख पाएंगे, देख सकते हैं आप इसमें ही। अगला लिस्ट है भोजपुर जिला में, ये था आपको, ये कॉलेज था उसी का कॉलेज है, तिलक मांझी भागलपुर का ही है, इसमें ही सीरियली ढंग से दिया गया है बीएड अंजर, देखिए ये वीर कुमार सिंह का है, माफ कीजिएगा, इसमें बीएड तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का इतना 15 कॉलेज है, इसमें 15 कॉलेज है, और इसमें देखिए इस ये वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी आरा जो है, इसमें बहुत सारे कॉलेज है भोजपुर जिला में, हाँ देखिए भोजपुर जिला में इतने सारे कॉलेज है, 7 कॉलेज है, 7 कॉलेज है, TN टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हरिगांव भोजपुर, इसके बाद बिहार कॉलेज ऑफ एजुकेशन गिद्धा भोजपुर, आप देख सकते हैं अरविंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज अरुणा दौलपुर आरा, यही है सर। देख सकते हैं उसके बाद है नेक्स्ट है रोहतास जिला में, 2 है मात्र,
परमनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेजर ट्रेनिंग कॉलेज शिवनगर शिवसागर है। उसके बाद देख सकते हैं बीएड कॉलेज ऑफ बक्सर में इतने कॉलेज हैं, बक्सर में 4 है, और बीएड कॉलेज ऑफ कैमूर जिला में है 3। तो आपका घर जिधर पड़ता है, जिधर नज़दीक पड़ता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसमें एडमिशन लेने की कोशिश करिएगा, अच्छा रहता है। इसमें कुछ कॉलेज का जो मैंने बताया कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो फंड नहीं था, उसमें वेबसाइट नहीं खुल रहा था, उसका उस पर लिस्ट नहीं दिया गया है। भीमराव अम्बेडकर में भी लिस्ट नहीं दिया गया है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका भी लिस्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसका सीट जो होता है उस यूनिवर्सिटी में ही उन लोगों का एडमिशन होता है जो उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका है। इस यूनिवर्सिटी में ही होता है एडमिशन, तो वहाँ ले सकते हैं एडमिशन। इसका कोई अलग से कॉलेज नहीं है संस्कृत विश्वविद्यालय का, उसको आपको विश्वविद्यालय में ही पढ़ने जाना पड़ेगा। उसके बाद है मुंगेर विश्वविद्यालय, उसका भी मैंने बताया था आपको, भी नहीं आ रहा है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय नॉट फाउंड लिख रहा था, वो जो मैंने बताया था पिछले बार वो पाटलिपुत्रा का था, नॉट फाउंड जो था वो पाटलिपुत्रा, ये जो वेबसाइट नहीं था इसका, मुंगेर का है ये, आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। वीर कुंवर सिंह है, तिलक मांझी है, ये पाटलिपुत्रा का जब मैं, हाँ पाटलिपुत्रा वाला का वेबसाइट जो है ना, तो वो वेबसाइट डाउन चल रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये पाटलिपुत्रा है ना, कि ये आप समझ लीजिए, आपको पीछे में बड़ा बताया था कि ये पूर्णिया है, ये पूर्णिया नहीं है, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का था। अब चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि एडमिशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले मिलेगा, जो जब आप पास होइएगा इसमें, आपको लिस्ट जब जारी होगा तो आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट में लगेगा सो होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड। आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से होंगे तो उस यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड वो लगेगा। उसके बाद अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं और आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में, जैसे आप भूपेंद्र नारायण यूनिवर्सिटी से बीए हैं, उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, तो आपको वहां पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा, आप निकाल के रख सकते हैं। और अगला जो प्रोसेस हो, या नहीं तो आप सेम यूनिवर्सिटी रहेगा तो आप रजिस्ट्रेशन कार्ड दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, बस वही इनफ है। अगर आप दूसरे कॉलेज से हैं या एमएससी बीएससी जो हैं, उसका आप लास्ट एडुकेशन का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहां पर सब सबमिट करना होगा। दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट होगा आपका जाति प्रमाण पत्र, जो हाँ ये जाति प्रमाण पत्र बहुत ही अनिवार्य है। इसमें अगर आप इसमें आते हैं, आरक्षण वाले कोटी में आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवाना होगा, वो भी बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ होना चाहिए। बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ नहीं होगा आपको वहाँ पर नहीं दिक्कत करेगा, और बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ के अलावा आपको अनुमंडल से निर्गत करवाना होगा, अनुमंडल से बनवाइएगा जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद तीसरा नंबर में आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, जो आपने इंट्रांस का एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड का जीरोक्स कॉपी या ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ काउंसिलिंग में सबमिट करना होगा। उसके बाद चौथा नंबर में आपको फोटो लगेगा, 2 से 4 फोटो लग सकता है। ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे वीडियो के कमेंट में जा करके आप कमेंट करें। अगर आपको किसी अन्य जानकारी लेनी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेक करें, उसमें आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगला वीडियो जो आएगा मेरा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो सीटीटी के लिए हों, जो आपके इंट्रांस एग्जाम के लिए हो, टीचर एलिजिबिलिटी के लिए हों, उस क्वेश्चन को रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए वीडियो को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।